सो फ्रेंड्स, आज बेस्ट पेनी मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा स्टॉक है और हम लोगों ने जब पहली बार इस स्टॉक को आपको सजेस्ट किया था, इसने बहुत ही शानदार ऑसम रिटर्न दिए थे हमारे सभी फॉलोअर्स को और लोगों ने बहुत ही बढ़िया पैसा कमाया था इस स्टॉक से। स्टॉक को हमने बताया था आप लोगों को 30 रुपीज़ के रेट पे सितंबर 17 में, और स्टॉक ने जनवरी तक केवल 3.5 महीने में ही तकरीबन 300% तक का रिटर्न आपको दिया था, और स्टॉक ने टच किया था लगभग 106 का पीक प्राइस। अगेन स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, फिर से एक बाइक की टेरिटरी में आ चुका है। गिरावट बहुत सीमित है, अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये स्टॉक आपको शानदार रिटर्न देने के तैयार है। जी दोस्तों, ये कोई और स्टॉक नहीं, ये है फिनोटेक्स केमिकल्स, FCL, फिनोटेक्स केमिकल्स का स्टॉक है जिसका जो कोड है FCL। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम आपको टेक्निकली इस स्टॉक के बारे में बताएंगे। आज अपर सर्किट हिट किया है स्टॉक ने, और स्टॉक अपना जो बॉटम बेस बना रहा है वो तकरीबन लगभग 35 की रेट पे बना रहा है, यानी कि 35 रुपीज इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑन द डेली वीकली चार्ट फॉर द यू नो फिनोटेक्स केमिकल्स। और इसका हम लोग एक बार मंथली चार्ट भी जरूर देखेंगे। सो दैट इज द मेन सपोर्ट, दिस इज द मेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 38 ऑन द मंथली चार्ट। बहुत शानदार स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत बेहतर है, छोटी सी कंपनी है लेकिन जो ग्रोथ का जो यू नो रेशो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस स्टॉक को आप हर गिरावट में, हर छोटी गिरावट में खरीदिएगा। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, केवल 40 रुपये की रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर आप 100 शेयर भी खरीदते हैं तो 4000 रुपये का निवेश है आपका एक महीने के अंदर। अगले कुछ महीनों या मैं कहूँगा अगले 12 से 24 महीने कंटिन्यू SIP में निवेश कीजिएगा। हर महीने 100 शेयर खरीदिएगा इस स्टॉक के, अगले 2 साल में आपके पास 2000 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे और ये स्टॉक आपको लगभग 200 से 225 रुपये की रेंज में अगले 24 महीने के अंदर दिखाई दे सकता है। स्टॉक का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि दोबारा से ये अपना जो लेबल है यू नो 100 रुपीज़ का, वो बहुत टाइम नहीं लेगा। जब तक मार्केट एक रेंज बाउंड है, जब तक मार्केट अंडर प्रेशर है, तभी आपके पास समय है इस स्टॉक पर अपनी पोजिशन बनाने का, यानी कि इस स्टॉक को खरीदने का जो सबसे सुनहरा मौका है वो इस वक्त दबाव का जो समय है, यही आपके पास सबसे सुनहरा मौका है इस स्टॉक में निवेश का। क्योंकि एक बार मार्केट से दबाव खत्म हो जाता है, प्रेशर खत्म हो जाता है, फिर ये स्टॉक आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा और बहुत ही बुलिश मोड में चला जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे इसका जो डाउनसाइड टच के स्टॉक ने, वो ऑलमोस्ट इस महीने में लगभग 35 रुपीज़ 10 पैसे का लो टच किया, फिलहाल 40 रुपीज़ 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और इसका जो हाईएस्ट टचिंग लेवल है वो है 106.15। और हमने इस स्टॉक को आपको लगभग 30 रुपीज़ के आसपास, लगभग 26-27 सितंबर को, 26-27 सितंबर के आसपास हमने इसको आपको 30 रुपीज़ के आसपास सजेस्ट किया था, और उसके बाद ये स्टॉक ने लगभग 4 जनवरी को 106 का लेवल टच किया था। तो दिस इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक सजेस्टेड बाय द मॉनेटरी, सबसे पहले ये मॉनेटरी चैनल ने सजेस्ट किया था ये स्टॉक, जिसने इतना ऑसम और अल्टीमेट रिटर्न दिया था। समय परिवर्तित होता है, स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, स्टॉक वापस 40 रुपीज़ की रेंज में, लेकिन एक बार फिर बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार वैल्यूएशन इस स्टॉक के मुझे दिखाई देते हैं। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी हम लोग एक बार जरूर डिस्कशन करेंगे, एक बार देखेंगे जरूर हम लोग, सो दैट कि आपको पता चल जाए इसके फंडामेंटल्स के बारे में। शेयर होल्डिंग ब्रीफली बताऊंगा मैं आपको, शेयर होल्डिंग के बारे में लगभग 72.36% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 72. और यहां से हम लोग लास्ट ईयर जून की बात करेंगे, मार्च 17 की बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ डिफरेंस आया। सो ऑलमोस्ट सेम है, प्रमोटर्स होल्डिंग 72.36%। और उसके अलावा हम लोग जाते हैं मार्च 16 में 71.72% की होल्डिंग थी, यानी कि मार्च 16 से मार्च 17 में जो होल्डिंग्स थी वो इंक्रीज़ की गई थी, और मार्च 14 में भी एक बार हम देखेंगे।
मार्च 14 में केवल 70.72% होल्डिंग थी, यानी कि हर साल ये लोग मार्च 14 से, लेकिन उन्होंने मार्च 15 में 1% की होल्डिंग बनाई, फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर फिर 1% की होल्डिंग बनाई, और फिलहाल जो प्रमोटर्स हैं उनके पास लगभग 72.36% का स्टेक फिलहाल उनके पोर्टफोलियो में आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स का बहुत स्ट्रांग फेथ है। जो पब्लिक की होल्डिंग वो लगभग 22.85% है। पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पोजीशंस को बना कर रखिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको बहुत शानदार रिटर्न देगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में डेट की बात करेंगे अगर हम लोग, तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट केवल 4 करोड़ के आसपास का डेट है, लगभग 121 करोड़ की नेटवर्थ है और लगभग 98 करोड़ की कंपनी की रिजर्व है। यानी कि अगर आप देखेंगे नेटवर्थ की बात करेंगे, तो जो कि मार्च 14 में 60 करोड़ का नेटवर्थ था वो 121 करोड़ का, यानी कि डबल हो चुका है पिछले 5 साल में, 48 करोड़ के रिजर्व से दुगना हो चुका है, लगभग 98 करोड़ के आसपास का। और बुक वैल्यू को अगर आप देखेंगे, तो बुक वैल्यू आप अगर पिछले 2014-2015 को छोड़ दें, उस वक्त के बाद 2016-17 और 18 में हाईएस्ट पिछले 3 साल में बुक वैल्यू स्टॉक की लगभग 10.88, तो मुझे लगता है यहाँ से ग्रोथ रेशियो स्टार्ट हो चुका है कंपनी का। ईयरली नंबर्स की बात करेंगे, तो मार्च 18 के नंबर्स में आपको जरूर दिखाऊंगा एक बार, 90 करोड़ की सेल की है कंपनी ने, जबकि मार्च 17 में 74 करोड़ की सेल्स की थी और प्रॉफिट था 30 करोड़ का एज कम्पेयर टू मार्च 17 जहाँ पर 22 करोड़ के आसपास का कंपनी को प्रॉफिट था। ओवरऑल ग्रोथ रेशियो इज़ वेरी गुड ऑफ द कंपनी, केमिकल सेक्टर की कंपनी है फिलहाल, चूँकि जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमत काफ़ी ऊँची है और यही कारण है कि जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है। एक बार कच्चे तेल की कीमत नीचे आने लगेगी, तब उसके बाद जितने भी ऑयल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, जो जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सभी में एक अच्छी, एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। क्वार्टरली नंबर को भी आप देख लीजिए एक बार, जून क्वार्टर में कंपनी को लगभग 25 करोड़ की सेल्स थी, जबकि लास्ट जून में 20 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। और प्रॉफिट की बात करेंगे, तो जहां जून 17 में 6 करोड़ की का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था, वही 6.34 करोड़ के आसपास का पीबीटी कंपनी ने 2018 जून में डिक्लेयर किया। तो ओवरऑल कंपनी इसके फंडामेंटल इज ओके, इज ऑल्सो गुड, और मुझे लगता है कि आपको फिनोटेक्स केमिकल, जो एक पैनी मल्टीबैगर स्टॉक है, इसको हर गिरावट पर खरीदते रहना चाहिए। 38 आता है देन आप कुछ क्वांटिटीज़ को और ऐड कीजिए, 35 आता है देन कुछ क्वांटिटीज़ को और ऐड कीजिए, इवन अगर स्टॉक का प्राइस 30 रुपीज़ भी आता है तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इस शानदार पैनी मल्टीबैगर को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए। ये आपको मल्टीफोल्ड, यानी यहाँ से बहुत ही शार्प और क्विक रिकवरी दिखाते हुए एक बड़ा मुनाफा कमाएगा। सो गाइज गेट रेडी, आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा मुनाफा कमाना है, तो हमेशा लो वैल्यू के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक में निवेश कीजिएगा, लंबी अवधि के लिए छोड़ दीजिएगा स्टॉक को लगभग 3 से 5 सालों में, और आप अपनी डेस्टिनी को बदलते हुए देखेंगे अगले 5 सालों में इस स्टॉक में निवेश करने के बाद। सो गाइज ये हमने बात की फिनोटेक्स केमिकल के बारे में, एक पैनी मल्टीबैगर स्टॉक जो कि आपकी पूरी डेस्टिनी को बदल के रख देगा अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश का नजरिया रखेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग आपको वो बेस्ट स्टॉक बताने जा रहे हैं आने वाले समय में, जो अगर आप अगले कुछ समय के लिए 12 से 24 या 48 महीने के लिए रखते हैं, तो आप अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी नए बेहतरीन स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मनी ट्री के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुनाफा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।